सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सोनभद्र जिला के वासी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक सोनभद्र जिला के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की ओर बसा है, जिस वजह से सोनभद्र जिला के पूर्व की सीमाएं बिहार राज्य से और झारखंड राज्य से मिलती है, दक्षिण की सीमाएं छत्तीसगढ़ राज्य से और पश्चिम की सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य से मिलती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि भारत के चार राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इस जिले का हेडक्वार्टर रॉबर्टगंज शहर में मौजूद है और सोनभद्र जिला मिर्जापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। सोनभद्र जिला पहले मिर्जापुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में सोनभद्र को मिर्जापुर जिला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। इस जिले का गठन 4 मार्च साल 1989 में मिर्जापुर जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। इससे पहले सोनभद्र मिर्जापुर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 7 पड़ोसी जिलों के साथ आपस में घिरा हुआ है, जिसका नाम मिर्जापुर जिला, चंदौली जिला, बिहार का कैमूर जिला और रोहतास जिला, झारखंड का गढ़वा जिला, छत्तीसगढ़ का सुरगुजा जिला और मध्य प्रदेश का सिगरौली जिला है, जिस वजह से सोनभद्र जिला के उत्तर भाग की ओर उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला, उत्तर से पश्चिम भाग की ओर उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला, पूर्व भाग की ओर बिहार का कैमूर जिला, रोहतास जिला और झारखंड का गढ़वा जिला, दक्षिण भाग की ओर छत्तीसगढ़ का सुरगुजा जिला और पश्चिम भाग की ओर मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला से घिरा हुआ है। सोनभद्र जिला का इतिहास देखा जाए तो यह जिला अपने खनिज और कुदरती साधनों के लिए काफी मशहूर है। इसके चारों तरफ पहाड़, जंगल, नदियां और घाटियों से इसका इलाका घिरा हुआ है। इस जिले का लगभग 40% भाग जंगलों से, पठारों से, पहाड़ों से और घाटियों से भरे हुए हैं, जहां पर पेड़ पौधे और जीवों की अनेक जाति पाई जाती है। सोनभद्र जिला को भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि इस इलाके में कई सारे विद्युत पावर स्टेशन स्थित है, जिस वजह से यह जिला हमेशा से एक औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बना हुआ है। इन सभी के अलावा इन जगहों पर बॉक्साइट, चूना पत्थर और कोयला जैसे खनिज पाए जाते हैं। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र जिला और शहर का नाम यहाँ की सोन नदी के नाम पर पड़ा है। सोनभद्र जिला के मुख्य नदी का नाम सोन नदी, रिहंद नदी और कन्हार नदी है। रिहंद नदी और सोन नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 399 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 880 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनभद्र जिला में 3 तहसील, 8 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 4 विधानसभा, 21 पुलिस स्टेशन, 146 डाकघर, 1 जिला कोर्ट, 1 जिला अस्पताल, 31 प्राथमिक हेल्थ सेंटर, 17 एलोपैथिक अस्पताल, 19 आयुर्वेदिक अस्पताल, 22 होम्योपैथिक अस्पताल, 1 यूनानी अस्पताल, 1 नगर पालिका परिषद, 4 नगर पंचायत, 66 न्याय पंचायतें, 489 ग्राम सभा, 464 ग्राम पंचायतें, 10 शहर और 1441 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 6788 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोनभद्र जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 3,33,000 के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी है।
आबादी की बात करें तो सोनभद्र जिला जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐसा सबसे छोटा, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र जिला का अभी मौजूदा समय में कुल आबादी 21,53,000 के करीब है। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार सोनभद्र जिला की कुल आबादी 18,63,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 9,71,500 है और महिला की आबादी 8,91,500 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 918 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 918 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 17,30,000 है, लगभग 93% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 1,10,000 है, लगभग 6% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से सोनभद्र जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, बनवासी पीजी कॉलेज, गुरुद्वारा इंटर कॉलेज और राजकीय महिला कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 64% के करीब है। सोनभद्र जिला के 18,63,000 की आबादी में 11,93,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 7,28,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 75% के करीब, और महिला 4,65,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 52% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो सोनभद्र जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 7,30,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 7,30,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ के आबादी के अनुसार लगभग 39% के करीब है। वैसे सोनभद्र जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। सोनभद्र जिला सोन नदी और रिहन नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका ज्यादातर इलाका काफी उपजाऊ है। सोनभद्र जिला में इनकम का मुख्य साधन खास तौर पर खेती के फसलों द्वारा किया जाता है, जिस वजह से इस जिले का प्रति व्यक्ति इनकम 50,000 के करीब है। सोनभद्र जिला के 6,788 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 2,040 वर्ग किलोमीटर, लगभग 5,04,000 एकड़ में खेती का कुल पैदावार किया जाता है और 2,539 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगल के हिस्से में आता है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, मसूर, चना, मटर, अरहर और सब्जियां यहाँ के मुख्य फसल है। इन सभी के अलावा इस जिले में शीशम के पेड़ भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सोनभद्र जिला में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रिहान थर्मल पावर स्टेशन, विद्यांचल थर्मल पावर स्टेशन, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, दल्ला सीमेंट फैक्ट्री, हिडाल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री, आदित्य बिरला फैक्ट्री, मिश्रा स्टोन क्रॉसिंग फैक्ट्री और कोरिया केमिकल्स पावर प्लांट के अलावा कई और छोटे बड़े व्यवसाय स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को और सोनभद्र जिला वासियों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने का आनंद उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। सोनभद्र जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार गोथानी शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, ज्वालामुखी शक्तिपीठ, कुंडवासिनी धाम, अमीला भवानी धाम, पंचमुखी महादेव, शिव द्वार, रिहांद डैम, जी वाष्म पार्क, माँ हुरिया कैबर, विजयगढ़ किला, नौगढ़ किला, अंगोड़ी घर किला और इस सोनभद्र जिला के मुखा झरना जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे।
सोनभद्र जिला सड़क और रेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 7 और नेशनल हाईवे संख्या 75 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गाँव तक बस सेवा मुहैया कराती है। सोनभद्र जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम सोनभद्र रेलवे स्टेशन और चोपन रेलवे स्टेशन है। आपको बता दें, सोनभद्र जिला में कुल मिलाकर 13 रेलवे स्टेशन स्थित है।